नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, अक्सर हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे डॉग एकदम से मोटे तगड़े रहें और उनकी हाइट जो है वो बहुत अच्छी रहे। लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे डॉग की हाइट कैसे बढ़ाएं। तो आज मैं इस वीडियो में हाइट बढ़ाने के पूरे विश्लेषण को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए साथियों, वीडियो। साथियों, हमारे डॉग की हाइट का बढ़ना पहली बात तो उसकी नस्ल पे डिपेंड करता है। नस्लों के बारे में पूरा का पूरा विवरण मैंने इस वीडियो में बताया, आप देख लें कि कई प्रकार की ऐसी नस्लें हैं जो अपने आप में हाइटेड है, यानी बहुत अच्छी हाइट उनकी होती है, जैसे रॉटविलर है, ग्रेट डेन है। तो इस प्रकार की कई नस्लें हैं जिनकी हाइट अच्छी होती है। तो अगर उनकी नस्ल अच्छी है, यानी नस्ल हाइट वाली है, तो अपने आप उनकी हाइट जो है वो बढ़ेगी। ये नेचुरली प्रक्रिया है। इसके अलावा उनके माता पिता, यानी जो हमारे पास पपीज है, उनके माता पिता की हाइट कितनी थी, उन पर भी, यानी उनके जीन्स पर भी ये डिपेंड करता है कि कुत्ते की जो हाइट है वो कितनी ग्रो करेगी। इसके अलावा साथियों, एक बात और है, अगर हम हाइट बढ़ाने का तरीका जानना चाह रहे हैं तो उससे पहले एक बात और भी जानने की जरूरी है कि कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनकी एक निश्चित आयु तक हाइट बढ़ती है, उनका भी आपको ध्यान होना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए जर्मन शेफर्ड है, तो जर्मन शेफर्ड अधिकतर 12 महीने का जब होता है, एक साल का, तब तक उसकी हाइट बढ़ती है। यानी एक साल से पहले पहले हमें जर्मन शेफर्ड की हाइट बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा जैसे ग्रेट डेन है, रॉटविलर है, ऐसे कई डॉग्स हैं जिनकी हाइट 1.5 साल तक बढ़ती है, 2 साल तक भी बढ़ जाती है, यानी 18 महीने तक या 24 महीने तक उनकी हाइट बढ़ती है। उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। यानी अगर आप हाइट बढ़ाने का प्रयास करना चाह रहे हैं तो इस उम्र से पहले पहले करें। इसके अलावा साथियों, हाइट बढ़ाने का जो सब्जेक्ट है, इसमें हालांकि ये थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि हाइट बढ़ना थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आपको जो तरीके बताऊंगा इस वीडियो में वो आप इस्तेमाल करें, श्योरली आपके डॉग की हाइट बढ़ेगी। साथियों, डॉग की हाइट बढ़ाने का जो पहला तरीका है वो तरीका है बैलेंस्ड डाइट का। यानी आप अपने डॉग को ऐसी डाइट दें, बैलेंस्ड डाइट का मतलब भी मैं आपको समझा चुका हूं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सब उसमें उपलब्ध हो और एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो जो हमारे डॉग को चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट का इसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है। बैलेंस्ड डाइट के लिए आप 2 प्रकार से डाइट्स बना सकते हैं। आप घर पे भी डाइट्स बना सकते हैं, जो मैंने वीडियो तैयार कर रखा है आप उसे देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमें घर पे कौन कौन से आहार जो है अपने डॉग को देने चाहिए। इसके अलावा मार्केट में बैलेंस्ड डाइट के बहुत सारे आहार मिलते हैं जो आप अपनी इच्छा और अपनी मेडिकल स्टोर पे उपलब्धता के आधार पर आप डिसाइड कर ले कि हमें कौन सा उसको डाइट जो है वो देना है। यानी कि एक डाइट प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट अगर अच्छी रहेगी तो उसमें हेल्दी और हाइट ग्रो करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी प्रकार की डाइट देने से पहले आप अपने डॉग की, अपने पप्पी की डीवॉर्मिंग समय पर करवाएं, और डीवॉर्मिंग के लिए भी वीडियो तैयार है, वो आप देख लें, क्योंकि बार-बार बताने से ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप डीवॉर्मिंग जरूर करवा दें साथियों, विशेष तौर से डीवॉर्मिंग की ये जो दवाएं बताई हुई है उनमें से आप दवा और शेड्यूल, डीवॉर्मिंग का भी शेड्यूल होता है, तो सारा का सारा शेड्यूल और दवा फॉलो करें, निश्चित समय पर आप अपने पप्पी को दें। उससे डीवॉर्मिंग अगर समय पर होगी तो किसी भी प्रकार का कीटाणु, वर्म्स डॉग के पेट में, डॉग के शरीर में पैदा नहीं होंगे, और अगर वर्म्स पैदा नहीं होंगे तो डॉग बहुत ही कम बीमार होगा, यानी बीमार ही नहीं होगा। और जब बीमार नहीं होगा, लगातार हम अच्छी डाइट देंगे तो उसे ग्रो करने का चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसके अलावा साथियों, अगला जो सब्जेक्ट आता है वो है लीवर टॉनिक। यानी आप अपने डॉग को लगातार लीवर टॉनिक दें, क्योंकि डॉग की डीवर्मिंग के बाद अगर उसका लीवर बराबर काम करेगा तो ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि लीवर से जो जूस निकलेगा वो एकदम से प्योर और हेल्दी निकलेगा, तो डॉग अपने आप हेल्दी होता जाएगा और उसकी हाइट भी बढ़ेगी। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए डॉग को जरूरत होती है कैल्शियम की। कैल्शियम के लिए आहार भी बहुत सारे हैं, अंडे वगैरह, मीट वगैरह, तो इनके अलावा कैल्शियम के लिए हम सिर्फ
या विटामिन सिरप भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में कई प्रकार के कैल्शियम और विटामिन के सिरप हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप सिरप यूज करें और लगातार अपने पप्पी को दे, अपने डॉग को दे, उससे भी उसकी हाइट को ग्रो करने में बहुत अच्छा। अलावा साथियों, डॉग की हाइट बढ़ाने का जो पांचवा बिंदु है वो है उसकी एक्सरसाइज। यानी डॉग की अगर आपको हाइट बढ़ानी है, पप्पी की हाइट बढ़ानी है, तो उसे रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज में आप उसे कम से कम आधा घंटा रोज घुमाएं, जॉगिंग करवाएं, इसके अलावा रनिंग यानी उसे दौड़ाएं, जंपिंग बहुत ही अच्छा रहता है, जंपिंग से भी हाइट बढ़ती है, स्विमिंग भी बहुत अच्छी रहती है डॉग के लिए। तो ये सभी जो चीजें हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स यानी बॉल के साथ उसे लगातार खिलाएं, तो सारी की सारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से लगातार डॉग के शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में जाएगी और उसके जो हानिकारक गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो निकलेगी। इसके अलावा उसके शरीर से कई प्रकार के हानिकारक जो तत्व हैं वो भी एक्सरसाइज से बाहर निकलेंगे, तो उसकी हेल्थ और हाइट बढ़ने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि हाइट अगर आपको बढ़ाना है तो डॉग को एक्सरसाइज देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर आप बाहर घुमा के दे सकते हैं, घर पे भी कई प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप करवा सकते हैं जिससे डॉग की हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा साथियों, जो भी हम डॉग को खाना देते हैं, अक्सर प्लेट में या बाउल में देते हैं, उसको देने का जो तरीका है, उसको खिलाने का जो तरीका है, उससे भी डॉग की हाइट है वो ग्रो कर सकती है। वो कैसे? आप हमेशा अपने पप्पी को उसकी हाइट के बराबर उसकी बाउल या प्लेट को रख करके और खाना खिलाएं। यानी हाइट के बराबर अगर रहेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर होकर के खाने की कोशिश करेगा और ऊपर होकर खाएगा तो उससे उसकी हाइट ग्रो होने के चांसेस रहेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम प्लेट में या बाउल में खिलाते हैं, गर्दन नीची रखता है, तो लगातार लोग जो खाने में व्यस्त रहते हैं वो लगातार गर्दन नीची रखते हैं, तो इस वजह से भी उनकी हाइट पे जो है, आगे वाले जो पैर है उनकी जो लंबाई है उन पे ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। और विशेष तौर से पप्पीज के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप हमेशा थोड़ा सा ऊपर, उनकी हाइट के ऊपर रख करके खिलाएं। उसके लिए आप घर में कोई भी ऐसी जगह बना सकते हैं जो उसकी हाइट के इक्विवेलेंट हो और उसमें आप प्लेट रखने की जगह बना लें और उसमें प्लेट रख के और उसको खिलाएं। इसके अलावा मार्केट में भी, जैसे ये फोटो में दिखाया हुआ है, आपको ऐसा एक बोवेल मिलेंगे, डबल बोवेल होते हैं जिनके नीचे वो स्टैंड लगी हुई होती है जिससे वो गिराएगा भी नहीं और डॉग उसमें आराम से खाना खाएगा। तो इस प्रकार के मैकेनिकल काम भी आप कर सकते हैं, इनसे भी क्या होगा कि डॉग की जो हाइट है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा साथियों, कुछ बातें और भी है जो हमें ध्यान में रखने की है, जैसे कि हर नस्ल की अलग अलग हाइट होती है, यानी एक निश्चित हाइट तक जो डॉग हैं वो बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो तैयार किया है क्योंकि अलग अलग डॉग की अलग अलग हाइट हमें बतानी होती है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें, जिससे आपको यह भी पता रहेगा कि आपके डॉग की जो नस्ल है उसकी हाइट कितने तक जा सकती है। तो यह चीज भी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। तो साथियों, इन सभी बातों को आप यूज करके अपने डॉग की हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो पीछे रह गई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप ऐसे प्रबंध करें, ऐसे अपने डॉग का ध्यान रखें कि वो किसी भी सूरत में बीमार ना हो। क्योंकि अगर आपका पप्पी जब तक एक या डेढ़ साल का होता है, अगर एक या दो बार भी बीमार हो गया तो समझो उसकी पूरी की पूरी डाइट जो है, जो हमने दी है, वो एकदम से बेकार हो जाएगी। क्योंकि जब भी पपीज बीमार होते हैं एकदम से पहला असर उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है, तो हेल्थ डाउन होगी तो हाइट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि आपका डॉग पप्पी बीमार ना हो। उसके लिए आप खाने पीने का बराबर ध्यान रखें, डिवॉर्मिंग, लिवर टोनिक और कैल्शियम टोनिक आप लगातार देते रहें। इसके अलावा उसके रहन सहन की यानी आवास की भी आप जो प्रबंध कर रखा है उसको विशेष ध्यान रखें, विशेष तौर से जब ज्यादा गर्मी हो, गर्मी के मौसम में भी उसका विशेष ख्याल रखें ताकि उसको गर्मी ना लगे, और सर्दी के मौसम में और भी ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि डॉग अक्सर क्या है कि बाहर अपने आप भी निकल जाते हैं या किसी भी तरीके से उनको सर्दी लग सकती है, तो उस समय भी
ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर बीमार नहीं होगा तो उसकी हेल्थ जो है वो एकदम से डाउन नहीं होगी। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें साथियों। इसमें एक विषय वैक्सीनेशन का भी है, क्योंकि आप अगर अपने पपीज की बराबर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उसके वजह से भी कई प्रकार की बीमारियों का जो खतरा है उनको नहीं रहेगा। तो साथियों ये सभी उपाय मैंने आपको डॉग की हाइट बढ़ाने के और हेल्थ बढ़ाने के बताए हैं। आप ये विशेष प्रबंध करें, ऐसे काम करें ताकि आपकी जो डॉग की हाइट है वो शानदार रहे। धन्यवाद।